जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे गांव मलुकपुर निवासी पीड़ित युवक मोहित ने मुरादाबाद के एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी कार्यालय पहुंचे मोहित का आरोप है कि वे बाल्मीकि समुदाय से है। दिनांक 22/5/2024 को गांव के ही रहने वाले वकील नामक व्यक्ति के घर पंखा ठीक करने गया था, तभी वहां से निकलते समय वसीम दानिश निवासी मलुकपुर थाना मुंडा पांडे ने एक राय होकर उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस संबंध में उसने थाने पर भी सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, जो कि क्षेत्राधिकारी हाईवे मुरादाबाद के यहाँ विचाराधीन है। पीड़ित युवक मोहित का यह भी आरोप है कि उसको लगातार तुलसीलाल जमील वसीम इरफान व मुसर्रत निवासी मलुकपुर थाना मुंडा पांडे द्वारा मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उसे डराया धमकाया भी जा रहा है। मुकदमा वापस न लेने पर उसे धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, यह भी आरोप है कि सभी लोगों ने मिलकर गांव की रहने वाली एक महिला से युवक मोहित के खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा भी लिखवा दिया। पीड़ित युवक मोहित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मोहित कहाँ रहते हो? मुंडिया मलुकपुर थाना मुंडा पांडे। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी, मैं काम पे गया था, वकील मेरे घर आया था बुलाने कि काम पे चल। मैं जैसे काम पे से आया था, एक महीना काम करके आया था रायबरेली, तो वकील ने मुझे 2000 रुपये दिए थे कि ये 2000 रुपये ले जाए, अपनी भाभी दे दियो। जैसे मैं देने गया था संगठन, तो जो है मैं आ रहा था लेकर के, तो वो बोली मुझसे कि वो ये पंखा संभाल दो। मैं बोला मैं मिस्त्री नहीं हूँ। तो फिर मिस्त्री पर उन्होंने फ़ोन करा, तो मिस्त्री जो पंखा संभाल रहा था और मैं उस नीचे हाथ ला के पकड़ पा रहा था, तो जो है जैसे मैं आया तो हनीफ के मोड़े पे से पकड़ के दानिश ने वसीम ने मारा था मुझे। फिर जो है बिना गलती के मारा, जो है फिर 5 तारीख को जैसे कि घर पे कोई ना था, मम्मी पापा नहीं, भाई थे कोई भी नहीं थे, तो तुलसी लाला मुन्न हाई जी इरफान और मुसर्रत दानिश वसीम ये आए थे, और वकील और इरफान ये आए थे, और मैं सो रहा था तो सोते पे उठा के जो है ज़बरदस्ती साइन करवा के लेकर अंगूठा लगा के साइन करवाया कैश लेके, और मैं कर भी नहीं रहता, मैं कह रहा घर पे कोई पे नहीं है। तो इमरान वकील थे, उन्होंने भी मानने की धमकी दी थी, सबने बोले कि आपको नहीं मुकदमा दर्ज कराया था आपने? हाँ कराया था, मुकदमा दर्ज कराया था जी, कराया था स्टेट, उसी मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहा था आपको जी। क्या चाहते हैं आप इसमें? इंसाफ। एसएसपी से मिले थे आप जी? क्या कार्रवाई हुई इसमें? एसएसपी ने क्या कहा आपसे? पहले भी कर रहे थे एस एस पी है नहीं, कप्तान साहब है नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब थे, वो तो बोले वो आ जाएंगे, तो हम हमारी कार्रवाई बोल दिया जी।